दोस्तों, काफ़ी समय से इंटरनेट और यूट्यूब पर यह खबर चल रही है कि रॉयल एनफील्ड अपनी थंडरबर्ड को डिसकंटिन्यू करने वाला है, और इस खबर के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है मीटियोर 350 की लॉन्चिंग को। कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 थंडरबर्ड को रिप्लेस करने वाली है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है वो आगे मैं बात करूंगा इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई में रॉयल एनफील्ड अपनी थंडरबर्ड को रिप्लेस कर रही है मीटियोर 350 से, या ये सिर्फ एक र्यूमर है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में यह सब जानने के लिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड रॉयल एनफील्ड मोटर्स इंडिया की तरफ से बनाई गई पहली क्रूजर स्टाइल मोटरसाइकिल थी, जिसको सन 2002 में 350 सीसी एवीएल लीन बर्न इंजन के साथ में मार्केट में उतारा। ये बाइक एक्सपोर्ट मार्केट में रॉयल एनफील्ड रंबलर के नाम से भी जानी जाती थी। सन 2009 में एवीएल सेमी यूनिट इंजन नए यूसी इंजन से रिप्लेस किया गया, जिसके बाद थंडरबर्ड का नाम थंडरबर्ड ट्विन स्पार्क रखा गया। अक्टूबर 2012 में रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई 350 सीसी और 500 सीसी वेरिएंट की थंडरबर्ड को मार्केट में उतारा। इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक होने के साथ साथ 20 लीटर का टैंक, स्प्लिट सीट, डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल, फ्यूल गेज, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी टेल लैम्प के साथ में काफ़ी कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट्स 350 सीसी के कंपैरिजन में किए गए थे। थंडरबर्ड 500 सीसी को फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिला, वहीं पर थंडरबर्ड 350 सीसी अभी भी कार्बोरेटर ऑपरेटेड इंजन था। सन 2018 में रॉयल एनफील्ड ने थंडरबर्ड का एक नया मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम रखा थंडरबर्ड एक्स, जो कि 350 और 500 सीसी में एबीएस के साथ में उतारा गया था। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने BS6 वर्जन जो क्लासिक के हैं वो लॉन्च कर दिए थे जनवरी में, और तभी से हम सब वेट कर रहे थे कि कब रॉयल एनफील्ड अपनी थंडरबर्ड के BS6 वर्जन को मार्केट में लाएगा। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने कभी भी थंडरबर्ड BS6 के वर्जन की बुकिंग लेना बंद नहीं की। इनफैक्ट उनके पास आज भी करंट में थंडरबर्ड की बुकिंग्स ऑलरेडी रखी हुई हैं। बीच में ये न्यूज़ आने लगी कि भाई रॉयल एनफील्ड अपनी नई गाड़ी मीटियोर 350 को लॉन्च कर रहा है, जिसके कारण मार्केट में एक र्यूमर फैल गया कि जो रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड है वो अब मीटियोर 350 से रिप्लेस होगी। इनफैक्ट लास्ट वीडियो मैंने मीटियोर 350 के ऊपर ही बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर लिंक आ रही होगी, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस खबर के चलते बहुत से कस्टमर्स को ये लगने लगा था कि अब वो थंडरबर्ड की जगह मीटियोर 350 को ले सकेंगे, लेकिन मेरे पास जो पक्की खबर आई है उसमें ये कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से कि भाई अब वो थंडरबर्ड के BS6 वर्जन को जल्दी ही मार्केट में लाने वाली है, और जिन कस्टमर्स की बुकिंग अभी तक उनके पास है वो उनको थंडरबर्ड के BS6 वर्जन को डिलीवर करेगी। अब बात आती है कि वाकई में क्या थंडरबर्ड बंद होने वाली है, इसका जवाब है नहीं। और जो BS6 थंडरबर्ड की प्राइस होगी वो BS4 के मुकाबले 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा होने वाली है। साथ ही में जो कलर्स अब तक केवल 500 सीसी में आते थे वो भी अब थंडरबर्ड के 350 सीसी वर्जन में मिलेंगे। इसके अलावा थंडरबर्ड में अब ब्लैक कलर भी देखने को मिल सकता है, साथ ही दो और नए कलर्स भी आएंगे जो कि बाद में पता चलेंगे। तो जो अटकलें और न्यूज़ आ रही थी कि अब मीटियोर 350 रिप्लेस करने वाली है थंडरबर्ड को, तो वो फ़िलहाल सच होती नज़र नहीं आ रही है। साथ ही थंडरबर्ड को कंटिन्यू करने से एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि जो प्राइस टैग अभी मीटियोर 350 का चल रहा है वो थंडरबर्ड के प्राइस से एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मीटियोर 350 में बहुत से ऐसे एडवांस फीचर कंपनी ने ऐड किए हैं जो थंडरबर्ड से मीटियोर 350 को अलग करती है। होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।